खरगोन के दो स्थानों पर तहसीलदार और खाद्य औषधि अधिकारी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बर्फ दुकान की तफ्तीश की। मामला रायल बर्फ फैक्ट्री कसरावद रोड का था, जहां अखाद्य बर्फ की तफ्तीश कर संयुक्त रूप से बर्फ की जांच की खरगोन में कई शिकायतें मिल रही थी कि बर्फ फैक्ट्रियों के माध्यम से अखाद्य बर्फ खाद्य बर्फ के रूप में बेची जा रही है। शासन के निर्देशों के अनुसार बर्फ दो प्रकार की होती है, खाद्य और अखाद्य। दोनों तरह की बर्फ में साफ पानी और लेफ्ट टेस्टेड पानी होना चाहिए। अधिकारियों ने विधिवत लाइसेंस ना होना भी बताया और नगर पालिका से भी कोई परमिशन नहीं ली हुई इन्होंने, तो उसकी जाँच करने के लिए आए। हमने इसके सैंपल ले लिए हैं, हमने सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेज दिए हैं और बाकी इनको हमने बोला है कि आप जो भी परमिशन है वो प्रस्तुत करें और इसके बाद अपना कार्य चालू करें। क्या सूचना मिली थी सर, किसकी है ये, क्या है? नहीं, सूचना नहीं है पहले से। ये बर्फ की फैक्ट्री तो पहले से चल रही है लेकिन ये खाद्य के दायरे में नहीं आ रही थी, अब खाद्य के दायरे में आई है क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया है कि जो सफ़ेद कलर का बर्फ है वो खाद्य के होगा और जो नीले कलर का बर्फ है वो अखाद्य का होगा। तो बिना परमिशन के काफी समय से चला रहा है। अभी तक ये लोग नीले कलर का बर्फ बता के कि हम अखाद्य बर्फ बनाते हैं, इस वजह से वो खाद्य विभाग से बचते थे। अब नियम बन गया है तो और इन्होंने सफ़ेद कलर की बर्फ बनाई हुई है जो कि खाद्य के दायरे में आती है, तो ये उसके दायरे में आ गए। परमिशन वगैरह कुछ नहीं किया। अभी इन्होंने लाइसेंस वगैरह के लिए बोल रहे हैं कि इन्होंने आवेदन कर दिए हैं, उसकी इन्होंने रसीद वगैरह प्रस्तुत की है। नगर पालिका की परमिशन NOC जारी होने के बाद तो लाइसेंस मिल जाएगा, फिर ये काम चालू कर सकते हैं। कितने साल से संचालित हो रहा था? मेरे को तो 2-3 साल का जानकारी है, 2-3 साल से है शायद। यहाँ मौके पहुंचे कोई मिला क्या सर? यहाँ किस चीज़ का? यहाँ मौके पहुंचे कोई मिला आपको? यहाँ पर यहाँ पर ऑपरेटर है, इसका मालिक यहाँ नहीं है, वो खंडवा में रहते हैं। इन्होंने बताया ऑपरेटर सिर्फ लोग हैं, वो लोग काम करते हैं। गैस की वजह से ब्लास्टिंग जैसी बात की आ रही है, कौन सी गैस है, क्या? इनका ये कहना है कि इसमें अमोनिया गैस भरा हुआ है जो कि ठंडा करने के लिए उपयोग में होता है, वो गैस भरा हुआ है, अचानक बंद कर देने से ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए उसको वैक्यूम मोड में रखा गया है। धीरे धीरे पूरे जो इसका सिस्टम है उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा, फिर ये इनका प्लांट बंद हो जाएगा। सर, इस तरह ब्लास्ट वाली बातचीत आ रही है कहीं ना कहीं, तो इसको परमिशन है नहीं, बिना परमिशन के कैसे चल रहे थे साहब शासन के नाके नीचे? ये तो मेरी जानकारी में नहीं, ये तो उद्योग वगैरह ने परमिशन दिया है, मेरे डिपार्टमेंट के दायरे में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या अधिकारियों के सर मिली भगत से चल रहा था अभी तक? नहीं, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। क्या नाम सर आपका? धीरज श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा।